हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद है कि आप लोग अच्छे से और खैरियत से होंगे। तो आज एक बार फिर से हाजिर हुए हैं एक अमेजिंग वीडियो के साथ, और पूरी वीडियो देखने के लिए लास्ट तक हमारे साथ बने रहें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। मैं फ़िलहाल हूं संजय गांधी नेशनल पार्क के ठीक सामने। तो मैं आज आपको दिखाने वाला हूं बोरीवली के फेमस नेशनल पार्क को, और इस पार्क से जुड़ी सारी जानकारी इस वीडियो में देने वाला हूं। तो संजय गांधी नेशनल पार्क जाने के लिए आपको सबसे पहले आ जाना है बोरीवली स्टेशन पर, और बोरीवली स्टेशन पर उतरने के बाद आपको आ जाना है बोरीवली ईस्ट में, और बोरीवली ईस्ट से आप रिक्शा से भी जा सकते हैं और चलकर भी जा सकते हैं। ज़्यादा दूरी नहीं है, तकरीबन 1 किलोमीटर की दूरी होगी। तो नेशनल पार्क आप जैसे पहुँचोगे तो आपको लेफ्ट साइड पार्किंग की जगह मिल जाएगी, जहाँ पर आप अपनी बाइक और कार को खड़ी कर सकते हैं, और जो भी चार्ज है वहाँ बोर्ड पर लगे हुए हैं। और अंदर जाने से पहले आपको टिकट निकालना पड़ेगा, जो टिकट का कास्ट है यहाँ इस बोर्ड पर लिखा देख सकते हैं। तो आप सबसे पहले टिकट निकालें फिर अंदर चलें। जैसे ही आप इंटर करते हो तो आपको राइट साइड पर साइकिल का काउंटर देखने को मिलता है। यहाँ से आप रेंट पर साइकिल ले कर पूरा नेशनल पार्क घूम सकते हो, और उसका जो कास्ट है 2 घंटे का ₹80 है। और आप जो भी साइकिल चूज़ करते हो तो उसका डिपॉजिट ₹300 देना होगा, और आप जब वापस साइकिल रिटर्न करते हो उसी कंडीशन में तो जो आपने डिपॉजिट ₹300 दिया है वो आपको वापस मिल जाएगा। और अगर आप अपनी खुद की साइकिल बाहर से ले आना चाहते हैं तो ला सकते हैं, उसका चार्ज ₹26 है। इस नेशनल पार्क की एक्चुअल टाइमिंग 9 to 5:30 है, लेकिन यहाँ पर लोग जॉगिंग करने भी आते हैं और सुबह साइकिलिंग करने भी आते हैं, तो उसके लिए 5:30 से स्टार्ट हो जाता है यहाँ पर। तो उसके लिए डेली टिकट निकालने की ज़रूरत नहीं है, उसके लिए आप मंथली पास ले सकते। ये जो सीधा रास्ता है आपको लेके जाएगी कन्हेरी केव्स। आप यहाँ पर जगह जगह बस स्टैंड देख सकते हैं, जहाँ पर आप बस पकड़कर कन्हेरी केव्स जा सकते हैं, जिसका चार्ज पर पर्सन ₹10 है। कन्हेरी केव्स पर मैंने एक पूरी वीडियो बनाई है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, जाके आप देख सकते हैं। और आपको यहाँ पर जगह जगह छोटे छोटे पार्क मिल जाएंगे, जहाँ बच्चे अपना इंजॉय कर रहे हैं, और यहाँ पर आपको रास्ते में हिरन और जंगली जानवर आपको देखने को भी मिल जाएंगे। यहाँ पर आपको जगह जगह पर ऐसे मैप के बोर्ड नज़र आएंगे, जहाँ आप मैप के जरिए हर जगह अपनी आसानी के साथ पहुँच सकते हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। यहाँ पर पूरा मैप पर समझाया गया है। यहाँ लेफ्ट साइड आपको देखने को मिल जाएगा निसर्ग निर्वाचन केंद्र। आपको यहाँ पर आजू बाजू सब नेचर से रिलेटेड चीज़ देखने को मिल जाएगी, और यहाँ पर आप देख सकते हैं बोर्ड सीधा कन्हेरी केव्स के लिए जाएगा, और लेफ्ट साइड सफारी के लिए जाएगा, और वन रानी ट्रेन यहाँ पर टॉय ट्रेन चलती है, उसको वन रानी बोलते हैं। सबसे पहले हम चलते हैं बोटिंग लेक की तरफ। यह बोटिंग लेक के पास ही खूबसूरत सा झरना है, जहाँ लोग इसके पानी से इंजॉय कर रहे हैं और नहा भी रहे हैं गर्मी की वजह से। और यह रहा हमारा बोटिंग लेक, जहाँ आप बोटिंग का इंजॉय कर सकते हैं। यहाँ फैमिली और बच्चे इस बोट राइड का खूब इंजॉय करते हैं। यह बोटिंग राइड 15 मिनट की होती है, जहां आप खुद पैडल द्वारा नाव को अपने मन मुताबिक चला सकते हैं और एक अलग तरह का मज़ा ले सकते हैं। यह बोट 2 सीटर और 4 सीटर की होती है, और यहां पर ज़्यादातर फैमिली देखो एंजॉय कर रहे हैं। यहां 2 सीटर बोट राइड का चार्ज ₹85 है और 4 सीटर का ₹173 है। अब हम चलते हैं लायन सफारी की तरफ, और यहां से नज़ारा कितना प्यारा लग रहा है। आजू बाजू जंगल, सामने बिल्डिंग और बीच में लेक, और लेक में चलती बोट ही बहुत ही प्यारी लग रही है। और यहाँ पर आपको जगह जगह पर डस्टबिन दिख रही होगी, अगर आपको कचरा फेंकना है तो डस्टबिन के अंदर फेंके, इधर उधर ना फेंके, क्योंकि यहाँ पर साफ सफाई का बहुत ध्यान रखा जाता है, और इधर उधर फेंकने पे आपको ₹100 फाइन भी देना पड़ जाएगा। और ये सामने है लायन सफारी की बस, इसी बस में हमको बैठा के लायन और टाइगर दिखाया जाएगा, और बस से बाहर निकलने की इजाज़त नहीं है, क्योंकि शायद लायन और टाइगर खुले में घूमते होंगे, तो इसलिए ऐसा होगा। और यहाँ का टिकट है ₹113, मतलब आप 113 में टाइगर और लायन देखेंगे। तो हम टिकट लेके आके बस में बैठ चुके हैं और बस के चलने का वेट कर रहे हैं। तो बस चल चुकी है, और आपको सामने दिख रहा होगा कि यहाँ पर एनिमल के हॉस्पिटल भी बने हुए हैं, जहाँ पर एनिमल का इलाज होता होगा। तो चलो चलते हैं शेर और टाइगर देखने। ये
ये सामने है लायन का पिंजरा, आप कैमरे के अंदर से आपको दिखाई दे रहा होगा कि नहीं, पिंजरे में लायन बैठा हुआ है, सो रहा है आराम से चिल मार के, और ये एक ऊपर बैठा हुआ है, देखो ये सामने है ना, ये लायन है, और ये है सामने टाइगर जो कि घूम रहा है आराम से चिल मार के घूम रहा है। टाइगर अभी जिंदा है, देखो कैसे घूम रहा है, आप सामने से देख सकते हो। टाइगर वैसे पिंजरे में है लेकिन बस से उतरना अलाउ नहीं है, आप बस के अंदर से ही देख सकते हो, तो आप जितना कैमरा मेरा दिखा सकता है वो आप सामने से देख सकते हो। टाइगर और शेर देखने के लिए 113 रुपया पे करना पड़ा जो कि मुझे थोड़ा महंगा लग रहा है। ये जो रास्ता दिख रहा है ये जाता है गाधी टेकरी की तरफ, फिलहाल हम चलते हैं वहाँ पर और गाधी टेकरी देखते हैं। और यहाँ पर सीढ़ियाँ बनाई गई हैं, ज़्यादा ऊंची नहीं है तो आप आसानी से चढ़ सकते हैं। फिलहाल अभी दोपहर का टाइम है, थोड़ा धूप तेज है तो इस वजह से थोड़ा गर्मी वाला फील आ रहा है, लेकिन पेड़ आजू बाजू ज़्यादा है तो इतना पता नहीं चल रहा है। तो गाधी टेकरी का रास्ता थोड़ा लंबा है, 10-15 मिनट पहुंचने में लगेगा, तब तक हम संजय गांधी नेशनल पार्क का इतिहास जान लेते हैं। ये जो संजय गांधी नेशनल पार्क है उसका नाम पहले कृष्णागिरी नेशनल पार्क हुआ करता था। कृष्णागिरी जो शब्द है वो संस्कृत से लिया गया है, कृष्णा यानी काला, गिरी यानी कि हिल, इसका जो मीनिंग है वह ब्लैक हिल होता है। और ये जो नेशनल पार्क है 1942 में स्थापित किया गया था जब भारत आज़ाद नहीं हुआ था। उसके बाद 1969 में जब इसको एस्टेब्लिश किया गया तो यह 20 किलोमीटर के एरिया में फैला हुआ था। उसके बाद यहाँ पर एरिया बढ़ते गया और ये जो पूरा एरिया वो 87 किलोमीटर का हो गया, लेकिन यह एक्चुअल में 103 किलोमीटर का था। यहाँ पर कुछ ही टाइम, कुछ साल पहले थाने का कुछ एरिया यहाँ पर इंक्लूड हुआ, उसकी वजह से यह पूरा एरिया 103 किलोमीटर का हो गया। और भारत के आज़ादी के कुछ साल बाद इस नेशनल पार्क का जो नाम है वह बोरीवली नेशनल पार्क से चेंज करके संजय गांधी नेशनल पार्क रख दिया गया, क्योंकि ये जो नेशनल पार्क है संजय गांधी नेशनल पार्क इसलिए किया गया क्योंकि भारत की जो पूर्व प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी, उनके बेटे के मेमोरी के लिए इस नेशनल पार्क का नाम संजय गांधी नेशनल पार्क रखा गया और उन्हें डेडिकेट किया गया। ये जो पूरा नेशनल पार्क है इसमें बहुत सारी जगह इंक्लूड है, मलाड, कांदीवली, दहिसर, बोरीवली, भांडू, वसई, थाने और भी कई सारी जगह जो है यहाँ पर इस नेशनल पार्क से जुड़े हुए हैं। और इसमें गोरेगांव का फिल्म स्टूडियो और साथ में आर्य कॉलोनी की सारी जगह इंक्लूड है। फिलहाल हम गाधी टेकरी पहुँच चुके हैं, आपको सामने दिख रहा होगा, नीचे से ऊपर पहुंचने में तकरीबन 15 से 20 मिनट लगे क्योंकि बहुत ऊंचाई पर था, लेकिन सीढ़ियों का स्टेप था वो छोटा छोटा था तो इसलिए उतना एहसास नहीं हुआ, फिर भी आदमी यहाँ पहुंचते थोड़ा थक गया है। और ये सामने जो बना है वो गाधी टेकरी इसको बोलते हैं, यहाँ पर आप आके आराम भी कर सकते हैं, यहाँ पर बहुत ठंडी ठंडी हवा भी आ रही है, बहुत रिलैक्स फील होता है, तो यहाँ पर आप आके इंजॉय कर सकते हैं और आराम कर सकते हैं। और साथ में आपको एक खूबसूरत सा व्यू पॉइंट देखने को मिलेगा, ये रहा सामने, जहाँ से आपको पूरा नेशनल पार्क का जो सामने पहाड़ी है उसका जंगल और ये सब पूरा नज़ारा बहुत ही प्यारा देखने को मिल जाएगा। गाधी टेकरी के पास ही छोटे छोटे पॉन्ड बने हैं जहाँ पर कुछ मछलियाँ पाली हुई है, ये मछलियाँ मुझे लग रही है ऑस्ट्रेलियन फिश जो होती हैं जिसे मंगूर कहते हैं, वो मछलियाँ मुझे लग रही हैं, बहुत प्यारी लग रही हैं। ये सामने पार्क है जहाँ पर जाना अलाउ नहीं है लेकिन बहुत खूबसूरत पार्क बना हुआ है। और ये है टॉय ट्रेन की पटरी, तो अभी टॉय ट्रेन बंद है क्योंकि लॉकडाउन से टॉय ट्रेन स्टार्ट ही नहीं हुई है, तब से ही बंद पड़ा है। और ये टॉय ट्रेन का स्टेशन है जहाँ से पब्लिक बैठती थी और पूरा
नेशनल पार्क घूमती थी, लेकिन फिलहाल ये बंद पड़ा हुआ है। यहाँ आप लेफ्ट साइड में देख सकते हैं कि जगह जगह पर पानी पीने की व्यवस्था बनाई गई है और ये हर जगह आपको देखने को मिल जाएगा, जो कि बहुत अच्छी सुविधा है क्योंकि यहाँ पर घूमते घूमते बहुत प्यास लगती है, तो ये हर जगह आप पानी पीने का मिल जाएगा। और आगे ये जो बस स्टॉप है यहाँ से बस मिलेगी और कन्हेरी केव्स आप जा सकते हैं। यहाँ नेशनल पार्क में आपको जगह जगह हिरन को रोड क्रॉस करते हुए देख सकते हैं, टहलते हुए भी देख सकते हैं। यहाँ पर एक और गार्डन है, तो अंदर चलते हैं और गार्डन को देखते हैं कि गार्डन के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं। और यहाँ पर बहुत सारे स्टैचू भी कार्टून के हैं, यहाँ पर मोगली के कुछ कैरेक्टर हैं, यहाँ पर छोटा भीम है और भी सारे कैरेक्टर हैं पर मुझे नाम तो याद नहीं है, तो आप वीडियो में देख सकते हैं। यहाँ पर मोगली भी बैठा हुआ है, देखो ये मोगली है, बाजू में क्या है, भालू है, क्या है, कोई भी है, लेकिन यहाँ पर सारे कैरेक्टर हैं। छोटा भीम का घर भी बना हुआ है यहाँ पर और आप यहाँ अंदर बैठ भी सकते हैं। जो भी घर छोटे छोटे कार्टून के बने हुए हैं, ये छोटा भीम का घर है, तो आप यहाँ बैठ के वो चीज़ को फील कर सकते हैं और इन्जॉय कर सकते हैं। इसलिए यहाँ पर बच्चे देखो ज़्यादातर है, ये देखो वहाँ गाड़ी बनी हुई जो कार्टून कैरेक्टर की गाड़ी होती है वो बना हुआ है, सब कुछ यहाँ पर बना है। यहाँ पर छुटकी है जिसके हाथ ही नहीं है, और यहाँ पे देखो एक और घर बना हुआ है, कितना प्यारा बना हुआ है, कार्टून कैरेक्टर का सारे घर बने हुए हैं। यहाँ पे ये जो गार्डन है यहाँ पे बच्चे के लिए बहुत कुछ बना हुआ है, यहाँ पे झूले हैं, राइड भी है, सब कुछ है, और छोटे छोटे कार्टून के कैरेक्टर के पुतले भी बने हैं जो बच्चे बहुत ज़्यादा इंजॉय करते हैं। अब हम आपको दिखाने वाले हैं कैट ओरिएंटेशन सेंटर, जो कि एक प्रकार का म्यूजियम है जहां कैट नस्ल के जितने जानवर होते हैं उनको रखा गया है और उनके बारे में बताया गया है। वैसे नेशनल पार्क में बहुत तरह के म्यूजियम हैं पर आपको हर जगह की वीडियो बनाना अलाउ नहीं होता है, तो जिसकी वीडियो बनाने का मौका मुझे मिला है वो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। देखो यहाँ पर जितनी भी कैट नस्ल के जानवर होते हैं वो यहाँ पर रखे गए हैं, टाइगर है, लीपर्ड है और छोटे छोटे भी जानवर होते हैं इस नस्ल के, तो सबको रखा गया और सबके नाम सामने आपको मिल जाएंगे जिससे आप पहचान सकते हैं कौन से जानवर कौन से नाम से जाना जाता है। तो आज की वीडियो यहीं पर एंड करते हैं और उम्मीद करते हैं कि यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और कमेंट भी करें। और जिसको कन्हेरी केव्स की वीडियो देखना है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी और जाके आप लोग देख सकते हैं। और जिसने चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दे। थैंक यू।